इस सत्र में मॉनसून अपने पूरे शबाब पर है। जुलाई माह के पहले दिन रविवार की सुबह शहर में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल थे। एक तरफ जहां लोग बारिश से खुश नजर आए, तो वहीं बारिश के कारण शहर में हुए जलजमाव से लोग परेशान भी दिखे। रविवार की सुबह बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया। जुबली रोड, सुमेर सागर, विजय चौराहा, अली नगर, दुर्गाबाड़ी, महदीपुर सहित तमाम स्थलों पर लोग जल जमाव की समस्या से जूझते नजर आए। इतना ही नहीं, शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाली गोल घर भी जल जमाव से बच ना सका। यहाँ भी पानी लगा रहा। शहर के कई मोहल्लों में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। जल जमाव से राहगीरों व स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में हुए जल जमाव को लेकर लोग नगर निगम प्रशासन को जमकर कोसते रहे। लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम प्रशासन पहले ही समय रहते ठोस कदम उठाया होता, तो आज शहर में जल जमाव नहीं लगता। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल जमाव की समस्या से जूझते लोगों ने कहा। कितना बारिश हुआ है? क्या नाम है? दीपक कुशवाहा। यहाँ का हमेशा जल जमाव रहता है या फिर? हमेशा हो जाता, भर जाता है पानी, ज़्यादा बरसता भर जाता है, घर में घुस जाती है।
क्या लगता है? इस बार तो कम हुआ है, इसके पहले हुआ तो बहुत ज़्यादा पानी हो गई थी, अंदर घुस गए, घर में घुस गई थी हमारे। और भी अब पानी भर जाती है, हमेशा घुस जाता है घर में। नगर निगम का व्यवस्था बहुत अच्छी हो गया है, नाली में पानी जाम हो जाता है, तो जो आगे देख रहे हैं पानी है, जाम हो गया है हमारा पुल पे, सफाइया नहीं हो जाती है, सफाइया हो नहीं पाती है। हाँ सही रहता था, उसके बाद बहुत लोग कहते हैं परेशानी हो जाते, बोले नाली खींचा निकलवा दीजिए, कोई सुन ही नहीं रहा था क्या कह रहे हैं। किस तरह की दिक्कत होती है? कहाँ के नहीं आ पाते हैं, दुकानदारी खराब हो जाती है सबकी। गोरखपुर की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हर जगह यहाँ पानी भर जाता है, ज़्यादातर इलाकों में तो एकदम आदमी जा भी नहीं सकता है। प्लस बहुत सी दिक्कतें आती है, मतलब आप कहीं भी चले जाइए आपको ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ पे बरसात के बाद आप मतलब कायदे से आ जा सकते हैं, यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं करती इसके लिए। और सच में हम क्या बोले इसके लिए, हम तो यंग हैं, हम तो हमेशा निकलते हैं, कभी रेती हुआ या फिर बख्शीपुर हुआ या फिर अभी बैंक रोड की हाल देख रहे हैं, अभी मुश्किल से 4-5 घंटे बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई, कुछ सेंटीमीटर्स बारिश हुई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानियां झेल रहे हैं हम लोग, क्या करें, नहीं जा रही है, क्या कमी रह गई है? रीज़न है, कोई प्लान नहीं है सिटी का, लोगों का घर जैसे मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक प्लान सिटी होती है तो ड्रेनेज का कहीं ना कहीं से सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आने में टाइम लगेगी, और ड्रेनेज कब तक सही होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर नगर निगम चाहे तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, वो जगह जगह ड्रेनेज का सिस्टम बना सकते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा भरता है वहाँ पर ये सारी चीज़ों को देख के कुछ तो किया जा सकता है। मतलब हाँ, नगर निगम अगर पहले से सतर्क रहता तो इस तरह की जल जमाव की जो परेशानी हम झेल रहे हैं वो नहीं होती, 50-80% तो सॉल्व हो ही जाती कहीं ना कहीं लेके, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो बहुत बुरी दशा है, नगर निगम का ही तो है सब ये मामला, अगर नगर निगम सही होता तो ये स्थिति कहाँ होती है? पूरा सालों भर का मौका मिला, सुधार तो कर ही देना चाहिए था। आपका घर भी पानी आया? हाँ, देखिए बहुत बुरी स्थिति है, किस तरह से दिक्कत हो रही है आप लोगों को, पानी जब घर में आ जा रहा है? पानी जब आ जा रहा है तो सारी व्यवसाय भी गड़बड़ है, सारी व्यवसाय भी चौपट हो जा रही है। क्या इसी मोहल्ले में है या और कहीं? नहीं, गोरखनाथ पे है, घर तो गोरखनाथ। पानी यहीं लगा है? नहीं नहीं, अभी तो उस दिन की तो हालत तो आप देख ही रहे थे, क्या पोजीशन थी, किसी तरफ से जाने लायक नहीं था, आज भी वही स्थिति होगी। आज तो उस दिन से कम बारिश हुई है? बारिश तो हुई है, लेकिन जाम पानिया तो सब जगह लगी गया ना। नगर निगम की तो गड़बड़ी है भाई, मुख्यमंत्री भी क्या करेगा भाई, वो आदेश ही तो करेगा, करना तो इन्हीं लोगों को है ना। नगर निगम काम नगर निगम करना तो इन्हीं लोगों को है ना।